नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मैं ले आया हूं क्रेटा का ई वेरिएंट, जो कि इसका बेस वेरिएंट है। आपको बता दूं, बेस वेरिएंट और इसका जो टॉप वेरिएंट है, इसकी कीमत में लगभग डबल का अंतर है। और आपको बताने वाला हूं, अगर आपका बजट 9,99,000 रुपये के आसपास है, थोड़ा सा ऑन रोड में ज़्यादा हो जाता है, तो क्या ये बेस वेरिएंट वैल्यू क्रिएट करता है। और साथ में जिक्र करता चलूं, ये जो बेस वेरिएंट है यही सबसे ज़्यादा बिकता है क्रेटा का, क्योंकि लोग इसको पसंद कर रहे हैं। इसमें वो फीचर्स दे दिए गए हैं जिसमें बेस की कमी नहीं अखरती है। क्या है खास, जानेंगे। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi, वहाँ आके सवाल करिए, तुरंत जवाब पाइए और पूरा वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। डिज़ाइन का जिक्र शुरू करने से पहले बता दूं आपको, डीजल में ये जो शुरू होता है, इसका जो वेरिएंट, वो ई से शुरू होता है। जब आप पेट्रोल की बात करेंगे तो EX वेरिएंट बेस वेरिएंट होता है पेट्रोल में। तो अब जिक्र करते हैं इसके डिज़ाइन का। आपको बता दूं, जो इसका ग्रिल दिया गया है, आपको यहाँ पर सिल्वर एसेंट चारों तरफ मिलेगा, ये अच्छा लगता है। और साथ ही कास्केडिंग ग्रिल मिल जाता है, और यहाँ पर बीच में Hyundai का लोगो मिलेगा। और इसमें आपको अलग चीज़ें क्या लग रही हैं वो बता दूं, अगर आपने टॉप वेरिएंट क्रेटा का देखा होगा, जिसके लिए आप लगभग डबल कीमत देते हैं, तो उस पर यहाँ पर आपको क्रोम का बेहतरीन इस्तेमाल मिलता है। और ये गाड़ी थोड़ी अलग दिखती है, लेकिन इसमें भी कम चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। आपको LED DRL प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं, और यहाँ पर आपको ये टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। और बखूबी आप देख रहे हैं, बॉडी कलर्ड बम्पर मिला दिया गया है इसमें, और बहुत अच्छे से इसकी लाइट्स के साथ फपता है। और यही चीज़ है जिसकी वजह से इस वेरिएंट को, यानी कि बेस वेरिएंट को, लोग बहुत पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा पैमाने पर इसे लोग ख़रीदते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके व्हील का। और इसमें आपको एलॉय व्हील नहीं मिलते हैं, ये एलॉय जैसे कवर के साथ आता है, जो कि इसके साथ में ही मिल जाता है बेस वेरिएंट के साथ। लेकिन ये स्टील व्हील है, और इस पर आपको, ये 16 इंच का है और बहुत अच्छे से अपना काम करता है। और इसका जो, आपको बता दूं, इसका जो व्हील आर्च है, इसके बीच का जो गैप है, ये परफेक्टली इसके साथ पपता है, ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा गैप हो गया है। और आपको चारों तरफ ही वाली क्लैडिंग नज़र आएगी गाड़ी के चारों तरफ, और बीच में आपको जहाँ पर फुटरेस्ट अमूमन बहुत सारी गाड़ियों में, SUVs में लगाया जाता है, वहाँ पर एक सिल्वर कलर का एक आपको क्लैडिंग मिल जाता है लास्ट तक, और ये भी अच्छा लगता है। तो बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। आपको साइड प्रोफाइल का जब जिक्र कर रहा हूँ, तो आपको बता दूँ, ये 4300 mm लंबी गाड़ी है, काफ़ी होता है इस सेगमेंट में अगर इतनी लंबी आपको गाड़ी मिलती है। बहुत सारी SUVs का की लंबाई इतनी नहीं होती है। और इसमें आपको टर्न इंडिकेटर, जो कि बॉडी कलर्ड ORBM दिए गए हैं, इसी पे मिल जाएगा। बेस वेरिएंट का जिक्र कर रहा हूँ, तो आपको ये भी अच्छा लगेगा। और इसके व्हील बेस का अगर जिक्र करूँ, तो आपको बता दूँ, Hyundai Verna से ज़्यादा इसका व्हील बेस है, 2610 mm का इसका व्हील बेस है। और हाइट की बात करें, तो आपको ये दिखा जाती है कि हाँ, इसमें SUV वाला पूरा का पूरा अंदाज दिया गया है। और यहाँ पर भी सिल्वर एसेंट मिलेगा, और यहाँ से शुरू हुआ ये सिल्वर एसेंट पीछे तक चला जाता है, और इसमें एक खूबसूरती ऐड कर जाता है। और विंडो का साइज़ भी बहुत अच्छा लगेगा, और यहाँ पर आपको प्लास्टिक का ये अच्छा, बेहतरीन बोल सकते हैं, इस्तेमाल मिलेगा। और क्रेटा क्यों पसंद करते हैं लोग, ये अपनी बात खुद अपने अंदाज से बयां कर देती है। साथ ही इसमें बॉडी कलर्ड आपको ये डोर हैंडल मिल जाते हैं, और ये भी फपते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं क्रेटा, यानी कि इसके क्रेटा के ई वेरिएंट, जो कि डीजल में आती है, इसके रियर डिज़ाइन की। तो रियर डिज़ाइन में क्या आपको दिख रहा है, ये जो कलर है, इसके अंदाज में आपको ये जो रियर टेल लैंप मिल रहे हैं, इसे पूरी आपको नक्काशी मिलेगी, और ये अच्छा लग रहा है। और आपको बता दो, इसमें जो बल्ब दिए गए हैं, जो डिज़ाइन है ये एकदम अलग है, लेकिन इसमें जो बल्ब लगाए गए हैं वो हैलोजन बल्ब हैं, तो इसमें कुछ ये मत समझिए दिख रहे हैं कि LED इसमें दिया गया है, तो आपको ये भ्रम हो सकता है, तो बस इस भ्रम में ही रहिएगा। लेकिन इसकी डिज़ाइन अपनी पूरी जो कहानी है और व्यथा दोनों व्यक्त कर देते हैं। आपको रियर स्पॉयलर मिल जाता है इस वेरिएंट में भी, और साथ ही यहाँ पर आपको एक पट्टी नज़र आ जाती है, रिफ्लेक्टर दिए गए हैं, ये भी खूबसूरती से अपना काम करते हैं। और क्रेटा का जो अंदाज देख रहे हैं, एकदम अलग लगेगा आपको। अमूमन आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने अपने गाड़ी पे इस तरीके से कुछ मॉडिफिकेशन करवाते थे, तो इस बात को सीरियसली ले लिया है Hyundai ने, और यहाँ पर क्रेटा इस तरीके से लिख दिया है। अमूमन बड़ी कारों में, जो प्रीमियम कारें होती हैं, बहुत सारी गाड़ियों में इस तरीके से लिखा होता है, खास करके अगर वाल्वो का जिक्र करें। और यहाँ पे भी आपको सिल्वर कलर का अच्छा इस्तेमाल मिलेगा, ये पीछे से देखने पे आपको ये भी भ्रम में डाल सकता है, लेकिन एक खूबसूरती की जो पहचान होती है, जिसे आप खूबसूरत कहते हैं, वो कहानी यहाँ पर अपनी
कह जाता है और बहुत ही बारीकी से अपनी बात ये रखता है और ये चीज आपको पसंद आ सकता है। और साथ ही ये बता देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ इसे बूट कितना मिलता है खोलने का। देखिए यहाँ पर एक दिया गया है इलेक्ट्रिकली, है आप यहाँ ऐसे दबाएंगे अपने आप ही खुल जाएगा पूरा और ये ऊपर चला गया। और जब अगर आपने इसे खोल दिया तो मैं इस पर आराम से बैठ सकता हूँ, इतना बड़ा ये स्पेस मिल जाता है। और ये 433 लीटर का बूट स्पेस इसमें दिया गया है जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर हुक भी दिए गए, लाइट भी है यहाँ पर, वाह ये लाइट भी दी गई है, तो अगर अंधेरे में आप कुछ सामान निकालना चाहते हैं तो आपको ये सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इसकी पैकेजिंग की गई है। और बेस वेरिएंट में अमूमन इतनी सारी चीज़ें नहीं मिलती जितना कि आपको इस क्रेटा में मिल जाता है। एंटीना भी यहाँ पे मिलेगा, ये देख लीजिए, एंटीना अलग से लगाना पड़ेगा, अभी खोल के रखा हुआ है। अमूमन यहाँ पे लगे एंटीने को लोग खोल के घर में रख लेते हैं जिससे चोरी ना हो जाए, तो इसका खतरा बना रहेगा, तो आप उसका भी ध्यान रखिएगा। तो पीछे से फिलहाल इतना ही, और चल चलते एक चीज़ और दिखा दूँ, ज़रूरी है क्योंकि मैं भूल गया था, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है आप देख रहे हैं, क्योंकि SUV स्टैंड के रूप में इसको मान्यता मिली हुई है, तो आपको दिखा दूँ जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है ये 190 मिलीमीटर का है। और ये बहुत अच्छा होता है अगर आप थोड़े ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे भी होते हैं तो अपने कद से ये बता देती है कि देखो गड्ढो मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं होने वाली है, तुम चाहे जितने भी ऊबड़ खाबड़ हो मैं तुम्हें पार कर जाऊंगी। और अगर एक कहाँ गाड़ी बिना चलाए इतनी सारी बात आपको बता दे तो आपको खुश होना चाहिए। वैसे तो आत्मा दिखाई नहीं देती है, लेकिन कहा जाता है आत्मा अजर अमर है, लेकिन इसमें आत्मा दिखाई देती है क्योंकि आत्मा की संज्ञा मैंने दे रखी है इसके इंजन को। और इसमें आपको जो इंजन मिलता है ये 1.5 लीटर का CRDI इंजन है और ये देता है 115 HP की शक्ति व 250 Nm का टॉर्क। और पैकेजिंग आप देख सकते हैं, आप इसकी पैकेजिंग देख के खुश हो सकते हैं। और सेफ्टी का इसमें ध्यान रखा गया है, मैंने एक और गाड़ी में भी जिक्र किया था जब निसान की स्टर्वो का वीडियो बना रहा था, आपको बता दूं इसमें तुरंत इसके जस्ट पीछे रेडिएटर नहीं आता है, तो अगर कोई इम्पैक्ट इस गाड़ी पे आता है यहाँ पे तो सेफ्टी के लिहाज से सीधे रेडिएटर पे नहीं पहुँचेगा, मतलब गाड़ी आपकी सेफ रहेगी। और बहुत अच्छे से इसको पार्टीशन में विभाजित किया गया है। एक दिन सुबह उठ के जब मैं एयरपोर्ट पहुँचा, मैं चेन्नई जा रहा था, ये COVID-19 के पहले की बात है और ये उस समय की बात है जब जेट एयरवेज चला करती थी। तो क्या हुआ, जैसे मैं पहुँचा मैं काफ़ी थका हुआ था, मुझे क्योंकि लगातार ट्रैवल से थका हुआ था तो मुझे कम्फर्ट चाहिए था, और अगर मैं इकोनॉमी में जूझ रहा होता तो मुझे बड़ी मुश्किल होती क्योंकि मुझे बहुत सारा काम भी करना था चेन्नई पहुंच के। हुआ क्या, जैसे मैं पहुंचा काउंटर पर उन्होंने मेरा सीट अपग्रेड कहाँ किया, बिजनेस क्लास में। तो इसलिए जिक्र कर रहा हूँ इसका कि अगर आप बेस वेरिएंट खरीदते हैं तो भी आपको बिजनेस क्लास वाला फील मिलने वाला, खास करके अगर आप क्रेटा खरीदते हैं आपको ये खुशी यहाँ से मिलने वाली है रियर सीट से। दिखाता हूँ क्या क्या मिलने वाला है, मतलब बेस के पैसे में आप इंजॉय करने वाले हैं पूरी लग्जरी। तो इसमें आपको मिलता है AC बेंट पीछे के साइड में, बहुत इफेक्टिव है, चल भी रहा है। और बाहर बहुत गर्मी थी और मैं अंदर आया तो मुझे पूरा का पूरा सुकून मिल गया। और यहाँ पर आप पर्स वगैरह रख सकते हैं, यूटिलिटी स्पेसेस मिल गया यहाँ पर। और साथ ही यहाँ पर आपको दी गई है जगह पानी की बोतल रखने के लिए, और आपको थकाएगी नहीं गाड़ी क्योंकि एक प्रीमियमनेस की ये अंदाजे बया है, मतलब अगर प्रीमियमनेस की बात करोगे तो वहाँ पर ये बहुत खूबसूरत गज़ल गाती है और इस वजह से लोगों को ये पसंद भी आती है। तो यहाँ पर आपको पावर विंडो मिलता है, मतलब आपको घुमाना नहीं है, तो ये खुशी की बात है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर इस सीट पर आपको कुछ और नहीं मिलता है, अगर आप चाहें कि आपको आर्मरेस्ट मिल जाए तो आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा। तीन लोग आप आराम से इस पर बैठ सकते हैं। इस सीट का जो कंफर्ट है बहुत अच्छा है, जो फैब्रिक है बहुत अच्छे से दिया गया है। और जो ये पीछे वाला सीट जिसे मैं बोलता हूँ एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, इसमें नहीं दिया गया है, तो इसका इसकी उम्मीद मत कीजिएगा इसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं, लेकिन आगे वाली सीट पर आगे वाले पैसेंजर को जरूर मिलेंगे। इस वाली सीट पर वरना मैं दिखा रहा था आपको, तो वरना में नहीं था, लेकिन इसमें आप मैगजीन वगैरह रख सकते हैं, यहाँ पर सामान रखने की जगह दे दी गई है। पानी की बोतल आप दोनों दरवाजों पर रख सकते हैं, तो आप आराम से बैठ जाइए। अगर आप ड्राइवर रख सकते हैं और इस बेस वेरिएंट को भी चला रहे हैं तो आप डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। और सच बता रहा हूँ, अगर आपको डबल पैसा नहीं खर्च करना है, डबल पैसे किसके लिए आप खर्च करते हैं, आप बहुत सारे फीचर्स के लिए खर्च करते हैं, मुझे लगता है वो फीचर्स आप अलग से लगवा दीजिए, वैल्यू क्रिएट कर जाएगी 100%। एक क्रेटा खरीद के आप नाखुश नहीं होंगे और आपको लगेगा हाँ आपने जो फैसला किया वो बहुत अच्छा है। अगर आपको टॉप पे नहीं जाना है तो ये बेस आपको क्रेटा का दिलचस्प फील देकर चली जाती है। तो दोस्तों इसके मैं ड्राइविंग सीट पर आ गया हूँ, ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, इसने सीट बेल्ट नहीं लगाया है, तो उसके लिए गुस्साइएगा मत।
आपको जो ये मिलता है दो कलर में आपको डैशबोर्ड मिलता है, ब्लैक और इसका ये बेज बोलते हैं। ये थोड़ा जल्दी गंदा हो जाता है बट इसमें दिया गया है। आपको सेफ्टी के लिहाज से इसमें दो एयरबैग मिल जाते हैं, ABS भी DVD मिल जाता है, स्पीड अलर्ट आपको इसमें मिलता है, अगर बेल्ट नहीं पहना है तो उसका रिमाइंडर आ जाता है, गेट खुला है तो उसका भी रिमाइंडर मिल जाता है। और क्या नहीं मिलता है यहाँ पे, आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है, यानी कि आपको म्यूजिक सिस्टम इस गाड़ी में नहीं मिलने वाला है, आपको अलग से लगवाना है। यहाँ पर एक बात बताता हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं जब फ्लैट खरीदते हैं ना तो रॉ लेते हैं, भैया मुझे कुछ मत करवाना मैं अपने हिसाब से करवा लूँगा। बेस वेरिएंट वैसी ही आपको अपॉर्चुनिटी दे जाता है, आप अपने हिसाब से जो चाहिए वो डलवा लीजिए, एकदम आपको एक बढ़िया फिनिशिंग वाला ऐसे सॉलिड मिल के जा रहा है, तो इसमें आप अपने हिसाब से जो म्यूजिक सिस्टम चाहिए वो लगवा लीजिए और आपको मज़ा आएगा। साथ ही आपको यहाँ पे AC के कंट्रोल थोड़े से मिल जाते हैं, बहुत बेसिक है, इस पर बताने के लिए फीचर्स में कुछ भी नहीं है कि मैं अगर बेस में बैठा हूँ और आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करूँ और मैं सफल हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करेंगे तो यहाँ पर एक कंट्रोल मिलता है, तो ये मत समझिएगा कि ये म्यूज़िक सिस्टम के लिए दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है, एक MID के लिए दिया गया है। आप ये सारे जितने इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर देख सकते हैं, कितना माइलेज दे रहा है, कितनी दूर ये गाड़ी जाएगी, ये सारा इन्फॉर्मेशन इस पर दिया गया है। आप पूरा फ्यूल इकोनॉमी वगैरह चेक कर सकते हैं, तो इस चीज़ से आप वहाँ तक जा सकते हैं। इस पर ये दे दिया गया, बहुत सफाई के साथ नज़र आता है, मैं आपको दिखाऊंगा इसका भी। अब बात करते हैं यूटिलिटी स्पेसेस की, तो यूटिलिटी स्पेसेस की बात करें तो आपको बहुत सारे सामान रखने की यहाँ पर जगह मिल जाती है। 6 स्पीड वाली गाड़ी है जिसमें बैठा हूँ, ये बेसिक वेरिएंट है इसका, और 6 स्पीड वाली है जो रिवर्स लगता है, ये उठा के यूँ 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 लगेगा, ये आगे जाके यहाँ पर आता है, और पीछे आपको पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, टू टू की आवाज़ मिल रही होगी, आपको सुनाई दे रही होगी, और यहाँ पर कप होल्डर्स दे दिए गए हैं, और साथ ही दोनों दरवाजे पर ढेर सारा सामान रखने की आपको जगह मिल जाती है। और यहाँ पर आपको एक ग्लोव बॉक्स दिया गया है जो कि कूल ग्लोव बॉक्स है। और सीट का कम्फर्ट की बात करें तो आपको इस सीट पर काफ़ी आराम मिलेगा, आप बैठ के बहुत खुश रहेंगे इस पर, और ये एडजस्ट कर सकते हैं, इस पर स्प्लिट हेडरेस्ट दिए गए हैं, और साथ ही यहाँ पर आर्मरेस्ट दिया गया है, और आर्मरेस्ट के नीचे आपको सामान रखने की जगह मिल जाएगी। 12 बोल्ट का यहाँ पर सॉकेट भी आपको मिलता है, तो इस क्रेटा में आपको बहुत कुछ मिल जाता है। अरे हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, इस पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, जो अगर सजने संवरने का जो लोग शौक रखते हैं उनके लिए भी ये दे दिया गया है, इस पर नहीं मिलता है, ये खाली है। और बस इतनी सारी चीज़ें आपको इस गाड़ी में मिलती हैं, तो बेस वेरिएंट खरीद के आप परेशान नहीं होंगे। हाँ, एक चीज़ बता दो, सिल्वर एसेंट आपको नज़र आएगा इसके AC बेंट पर भी, और AC बेंट का जो डिज़ाइन है ये थोड़ा यूनिक दिखता है और प्रीमियम अपील दे जाता है आपको। तो आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, ये वाली जो सीट मिलती है ड्राइवर वाली, इसको आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, ये वाली सुविधा आपको उस सीट पर नहीं मिलती है। कुछ लोगों ने बोला कि क्रेटा का डिज़ाइन उन्हें पसंद नहीं आया, लेकिन इस बात को कोई भी दुनिया में जस्टिफाई नहीं कर सकता। ठीक उसी तरीके से किसी को दाल में नमक ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को कम अच्छा लगता है, तो ये चॉइस की बात है कि किसी को कुछ डिज़ाइन अच्छा लगता है, किसी को कुछ डिज़ाइन अच्छा लगता है। दोस्तों, ये थी ऑल न्यू Hyundai क्रेटा जो कि बदल चुकी है, और इसका बेस वेरिएंट था ये, जिसका मैं आपके लिए वॉक अराउंड वीडियो लेके आया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे से कुछ छूट गया है जो मैंने नहीं बताया, पूछ लीजिए Instagram पर आके, तुरंत उसका जवाब भी पाइए। अपना ध्यान रखिएगा, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi।